दोस्तों यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा लें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज इस भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो निकली है ICDS यूपी में, आंगनवाड़ी की बम्पर भर्तियां निकली है समन्वित बाल विकास योजना में। 10वीं पास के लिए बम्पर भर्तियां निकली है मेरिट के आधार पर। इसमें आपका चयन होगा, ना इसमें एग्जाम होगा ना इंटरव्यू, सीधी भर्ती है। टोटल इसमें 30,978 वैकेंसीज निकली है। आंगनवाड़ी वर्कर यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 9,513 कुल पद निकले हैं। आंगनवाड़ी हेल्पर यानी कि आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 5,033, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर के लिए यानी कि मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 16,432 कुल पद इसमें निकले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या यूपी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डेट है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या सैलरी मिलने वाली है। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों यूपी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट की स्टेप वाइज पूरी जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 9,513 वैकेंसीज है, आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 5,033 है, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 16,432 है। तो टोटल 30,978 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें हाई स्कूल यानी कि 10th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष है। उसके बाद आप यहां पर सैलरी देख सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए जो पहला मानदेय था वो 4,000 था, अब बढ़ा दिया है तो 8,000 हो गया है। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए पहले 3,000 था, अब 6,000 है। आंगनवाड़ी सहायिका के लिए पहले 2,000 था, अब 4,000 है। सिलेक्शन की बात करें तो मेरिट के आधार पर इसमें आपका चयन होगा। जॉब लोकेशन यूपी उत्तर प्रदेश में है। डेट की बात करें तो डेट अभी इसकी डिक्लेयर नहीं हुई है, जल्दी इसकी डेट डिक्लेयर होने वाली है। अप्लाई करने का तरीका आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, icdsupweb.org/hindi। इस वेबसाइट पर जाकर आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं जब रिलीज होगी तब, और अप्लाई के इंस्ट्रक्शंस भी आपको उसी PDF में मिल जाएंगे। दोस्तों हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस पेज पर पहुंचकर यहां पर यूपी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट की जो लेटेस्ट न्यूज आई है उसको रीड कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं 31,000 पदों पर जल्द भर्ती होने वाली है, ये न्यूज आई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ये भर्ती है। यहां पर कुल पद भी दिखाए गए हैं और पूरी जानकारी आपको इसमें दी गई है कि कब से कब तक अप्लाई होना है, क्या सैलरी है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है, आरक्षण वगैरह सब आपको इसी में दिया गया है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं यूपी आंगनवाड़ी सैलरी से रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज आई है उसको भी आप यहां से रीड कर सकते हैं। आंगनवाड़ी मानदेय बढ़ेगा, ये पूरी जानकारी आपको इसमें मिल रही है कि कितना बजट इसमें निकला है। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर मानदेय बढ़ गया है, वो उसकी जानकारी आपको इसी में मिल जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी नीचे दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन इस रिक्रूटमेंट पर मैच नहीं करती, आप इस जॉब पर अप्लाई नहीं करना चाहते हो, उसके लिए आपको डेली 4 गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पेज पर विजिट करके डेली 4 जॉब्स देख सकते हो और किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो।